जेडीयू नेता केसी त्यागी ने न्यूज नेशन से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी को गठबंधन में किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है, वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। उनसे बात की हमारे सहयोगी राहुल डबास ने। केसी त्यागी जी हमारे से बात करने के लिए प्रधान महासचिव है जेडीयू के। सर, जिस तरीके से शरद पवार ने ये कहा कि राहुल गांधी ही क्यों, नायडू हो सकते हैं, ममता भी और मायावती भी, किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी की स्वीकार्यता? विपक्ष के अंदर नहीं है, यूपीए के अंदर भी नहीं। देखिए, एक तो यूपीए नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन अब वैसा नहीं है जैसा मनमोहन सिंह जी के समय था। ना लेफ्ट इनके साथ है, ना टीएमसी इनके साथ है, ना सपा इनके साथ है, ना बसपा इनके साथ है, ना टीआरएस इनके साथ है, ना इस मामले को लेकर टीडीपी इनके साथ है, ना वाईएसआर साथ है, ना बीजेडी साथ है। एक पार्टी है आरजेडी जो अपने भ्रष्टाचार के आंतरिक संघर्षों से जूझ रही है, उसको छोड़ करके किसी पार्टी के नेता ने उनको अभी तक स्वीकार नहीं किया। सर, कल जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया और अब दिग्विजय सिंह ने भी कहा है, इस तरह से एक विवादित बयान देते हुए कहा है कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अश्राप देना था तो करकरे की जगह वो आतंकवादियों को देते, हाफिज सईद को देते, तो ज़्यादा बेहतर होता, उनकी मौत हो जाती। मैं श्राप देने वाली प्रवृत्ति और परंपरा का विरोधी हूँ। राजनीति में इस तरह के जो श्रावी फतवे हैं उसका कोई स्थान नहीं है। ये हमारे साइंस के युग को कई हजार साल पीछे ले जाने का कुछ सिद्ध प्रयास है और मैं इसको ठीक नहीं मानता। न्यूज नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, साफ तौर पर किसी त्यागी जी की माने तो श्राप की प्रवृत्ति या फतवे राजनीति में और वो भी आधुनिक दौर की राजनीति में कोई मायने नहीं रखती। और जहाँ तक राहुल गांधी के सवाल है, राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं और यूपीए भी उस तरह का सशक्त गठबंधन नहीं रह गया जो कभी मनमोहन सिंह के दौर में हुआ करता था। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेन्द्र के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली।